मध्य प्रदेश में ही नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान में हुई गड़बड़ियों को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत की है। पूर्व सांसद आलोक संजर ने के नेतृत्व में शिकायत करवाने पहुंचे बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रथम चरण के मतदान में प्रदेश के अनेक स्थानों पर कई कमियां त्रुटियां देखने को मिली, जिसके वो जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि आगे दूसरे चरण में और भी होने वाले मतदान में उस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। पूर्व सांसद आलोक संजर ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर मतदाताओं के बूथ केंद्र बदल गए, जिससे उन्हें मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई जगहों में नाम में भी अदला बदली हुई है और कई मतदाताओं के पर्चियों से नाम ही गायब हैं, जिससे उन्हें मतदान करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसी कारण कई जगहों पर मतदान भी प्रभावित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने कल जिस तरह से चुनाव हुए और जो सब विसंगतियां जो आज समाचार पत्रों में भी और आप लोगों ने भी जिसको देखा है, उसके निमित्त हम आज यहाँ पर आए और हमने आपत्ति यहाँ पर दर्ज की है। पूरे भोपाल ने, सब लोगों ने देखा, मतदाताओं ने देखा कि पर्ची वितरण नहीं हो पाया था, जिनको जिनको बीएलओ को पर्ची वितरण करना था उन्होंने चुनाव के अंतिम समय तक पर्ची वितरित नहीं करी। मतदाता सूचियों में नाम बदल दिए गए थे, जिस बूथ पर जो रहता उस बूथ से दूसरे बूथ में उसका नाम जुड़ा हुआ था, एक ही परिवार के मतदाता बिखरे हुए थे। साथ ही मतदान केंद्र भी जो पुराने थे उनको बदल दिया गया था, इसमें राजनीतिक दलों से जो चर्चा करके उनको बदलना था वो भी नहीं हो पाया था। इन सब विसंगतियों के दृष्टिगत हमने आज शिकायत करी है कि इसकी पुनरावृत्ति अब दोबारा जो दूसरे चरण में चुनाव हो रहा है उसकी ना हो और कुल मिलाकर भोपाल के अन्य मतदाताओं को यहाँ पर मतदान से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि वो मतदान करना चाहते थे। इस कारण मतदान परिषद